Ladies and gentlemen, for this middleweight fight of the night, fighting out of the red corner, representing the Fight Fortress, Najam! Fighting Alliance 6 ka 10th mukabla middleweight category mein Najam Khan aa rahe hain team Fight Fortress ko represent karte hue. Najam Khan 82 kg mein. Najam Khan bahut acche fighter hain. Inhone apni pichli fight mein jis tarah se fight ki aur jis tarah se apne opponent ko knockout kiya wo sabke liye ek tarah se misal tha aur sabne isko bahut zyada pasand kiya. Najam Khan इनका एक इशू है हल्का सा कि इनकी एक टांग और दूसरी टांग की लेंथ में थोड़ा सा फर्क है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी जो माइनर डिसेबिलिटी है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया इन्होंने अच्छा ट्रेन किया है ग्रैपलिंग में भी अच्छे हैं इनको पीजीसी में पाकिस्तान ग्रैपलिंग चैलेंज में फाइट करते हुए देखा तो इनकी ग्रैपलिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और उसके अलावा इनके अंदर जो स्ट्रेंथ है और इनके जो पंचेज हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं तो ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ वो इस गेम में भी लेके आएंगे और ये फ़ाइट में भी वो उसी तरह की फाइटिंग स्किल्स का मुजाहरा करेंगे जिस तरह इन्होंने पिछली फ़ाइट में किया था जी बिल्कुल देखने में तो कुछ सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं कुछ बॉडी फैट परसेंटेज हाई है लेकिन ऑब्वियसली जब थोड़ा सा लिम्प होता है तो आप इतनी ज़्यादा कार्डियो नहीं कर सकते हैं लेकिन बहुत हैवी स्ट्राइकर हैं बहुत अच्छी टेक्निक के मालिक हैं बहुत कॉन्फिडेंस हैं बहुत कूल एंड काम कंपोजर है फाइटिंग अलायंस 4 में इन्होंने जीता था फाइटिंग अलायंस 5 में गालिबन शायद इनके फाइटर बैकआउट हो गए थे इनकी फ़ाइट नहीं हो सकी तो शायद अब इनके लिए बड़ा मौका है वो अपना पैशन जो फाइटिंग अलायंस 5 का था वो नजम के लिए स्टेज है कि वो यहाँ पे प्रूव करें जी बिल्कुल जिस तरह से फाइटिंग अलायंस 4 में इन्होंने अपनी फाइटिंग स्किल्स से बेसिकली अपने जो शायकीन को जिस तरह से महसूस किया था और जिस तरह से इम्प्रेस किया था वो काबिल दाद है बेसिकली इनको दाद दी जानी चाहिए इनके हौसले की तो इनके लिए बेसिकली एक मैं शेर भी सुनाना चाहूँगा कि वो क्या है कि तुंदिये बाद मुखालिफ से Representing Free Fight Federation Afghanistan, Rohani. और फरीद रोहानी फ्री फाइटिंग फेडरेशन के आखिरी अफगानी खिलाड़ी इस खिलाड़ी इस फाइटर के बारे में बताता चलूँ बहुत मजबूत जिस्म के मालिक मैंने बैक स्टेज पे इनको देखा है दिस गाय इज बिल्ट लाइक अ टैंक जब फाइट कार्ड पे भी मैंने पहले इनकी पिक्चर देखी थी तो सबसे पहला रिएक्शन था कि भाई ही लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग जॉ तो बॉक्सिंग में इनका बैकग्राउंड है लेकिन फिज़िकली बहुत इम्पोजिंग स्पेसिमन है बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं और क्वाड्स मसल्स अच्छे बने हुए हैं और लुक्स लाइक अ पावर लिफ्टर एंड अ बॉक्सर तो जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं इनकी एक फ़ाइट हुई थी वकार उमर के साथ फाइटिंग अलायंस 3 में वकार उमर ने इनको सबमिट किया था रेयर नेकेड चोक के थ्रू लेकिन इन्होंने जितनी देर रेयर नेकेड चोक को डिफेंड किया और उसको बर्दाश्त किया तो उसकी मिसाल मैंने अभी तक एमएमए हिस्ट्री में पाकिस्तान में नहीं देखी तो इनका इसका मतलब ये है कि इनके अंदर बर्दाश्त की जो कुव्वत है ना वो बहुत ज़्यादा है अपार्ट फ्रॉम जो इनकी अच्छी खासी जो खूबसूरत जो है ना इन्होंने अपनी बिल्ड बनाई हुई है और जिस तरह से पावर हाउस नज़र आ रहे हैं तो ये चीज़ देखते हैं कि वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं कि नहीं अपनी फाइट के अंदर जी नजम के लिए एक माउंटेन टू डील विद देखना पड़ेगा कि ये हमारी फ़ाइट कैसे जाती है होपफुली हम तीनों राउंड्स जाएं एक अच्छी फ़ाइट देखने को मिले और नाजरीन को बताता चलूँ कि ये प्रोफेशनल फ़ाइट्स हैं 5 मिनट के राउंड्स पर मुश्तमिल होंगी 5 मिनट के 3 राउंड्स इससे पहले जो है एमेचर फ़ाइट्स थी 3 मिनट के राउंड दोनों फ़ाइटर्स एक दूसरे को गले मिले मुस्कुराते हुए अपने कॉर्नर में जाते हुए फरीद रोहानी को अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा फाइटिंग अलायंस 6 में 10th मुकाबला मिडल वेट कैटेगरी में नजम खान वर्सेस फरीद रोहानी रेफरी रूल्स एक्सप्लेन करते हुए रूल्स बेसिकली ये होते हैं कि आपने बैक ऑफ द हेड अटैक नहीं करना अपने बेसिकली बिलो द बेल्ट अटैक नहीं करने तो ये ऐसी चीज़ें जो कि सेफ्टी को मद्देनज़र रख के ये रूल्स बनाए जाते हैं
तो रेफरी बेसिकली दोनों फाइटर्स को अब अपने अपनी पोजीशंस की तरफ भेजते हुए, और नजम खान रेड कॉर्नर में, फरीद रोहानी ब्लू कॉर्नर में, दोनों फाइटर्स अपने कॉर्नर में हमारे तरफ, और ये फाइट का आगाज हुआ जाता है। दोनों फाइटर्स ने ग्लव्स टच किए, नजम खान और नजम खान ने साइड किक की लेकिन मिस किया। फरीद रोहानी अच्छे खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं, अटैक किया, हुक किया उन्होंने हुए और बॉक्सिंग की मूव्स करते हुए, हेड मूवमेंट है और टॉन्ट कर रहे हैं। ओ बहुत खतरनाक, नजम खान ऐसा लगा कि एक दफा नॉकआउट हुए लेकिन उन्होंने दोबारा से रिकवर किया, रिकवर किया, बहुत स्ट्रॉन्ग जॉ लेफ्ट, ये चीज ये उनकी स्ट्रेंथ है बेसिकली, वो रिकवर बड़ा जल्दी करते हैं और उनके अंदर बर्दाश्त बहुत है नजम खान के अंदर। अगेन फेंट करते हुए फरीद रोहानी, अफगान फाइटर्स का ये स्टाइल है अपने फाइट अपोनेंट को टॉन्ट बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन नजम खान के साथ ये करना महंगा पड़ सकता है। उनके पिछले अपोनेंट भी अफगानी थे, उन्होंने भी कुछ टॉन्ट करने की कोशिश की लेकिन नजम खान ने उनको नॉकआउट किया। वो बजाहिर नजम खान किक ने हर्ट जरूर किया है फरीद रोहानी को और वो अपने बहुत अच्छा लैंड किया, क्लिंच, फरीद रोहानी का क्लिंच पंच लैंड जरूर किया था नजम खान ने। इस वक्त क्लिंच है और दोनों फाइटर्स फिर एक दफ़ा अलहदा हुए और आमने सामने एक दूसरे के मद्दे मुकाबल, फरीद रोहानी वर्सेस नजम खान। एक बज़ाहिर डिसएडवांटेज पे नज़र आते हैं लेकिन उनकी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला नहीं है, और ये अभी भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वो और पंचेस के ऊपर लैंड किया और अपने फीट के ऊपर गिराया है, पंचेस बार बार पंचेस की बारिश करते हुए फरीद रोहानी, और टेक डाउन किया फरीद रोहानी के नीचे, गिरा दिया नजम खान को, लेकिन बहुत अच्छा डिफेंस किया नजम खान ने, कैपिटलाइज नहीं कर सके फरीद रोहानी, अपनी पावर का मुजाहरा जरूर किया था। अगेन क्लिंच से बाहर आ गए, दोबारा अटैक के ऊपर आ गए नजम खान और बेहद खूबसूरत जबड़े के ऊपर सीधा पड़ा और ये पावर हाउस माउंटेन जमीन के ऊपर। मेरे दोस्त क्या आप ये नतीजा एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी पहले राउंड में? जी, जिस तरह नजम खान एक ऐसे फाइटर हैं कि उनका उनके उनके हाथों जो नॉकआउट होता है वो बिल्कुल दोबारा नहीं उठ सकता, जिनको उनका पंच लग जाए वो बिल्कुल भी दोबारा नहीं उठ सकता। जिस तरह पिछली फाइट में भी हमने देखा था और इसी फाइट में भी हमने देखा है कि नजम खान ने अपने अपोनेंट को एक लेफ्ट हैंड पंच से नॉकआउट कर दिया है। तो बहुत खूबसूरत, फरीद ने टेक्निकल मिस्टेक की है, डिसबैलेंस थे, हैंड्स डाउन किए, जरा सा मोमेंट मिला है एंड नजम खान थ्रू इन दैट लेफ्ट हुक एंड डैम फरीद खान वेंट टू द ग्राउंड। बहुत खूबसूरत मुकाबला, दिस इज व्हाट मिक्स मार्शल आर्ट्स इज ऑल अबाउट, वाओ, ह्यूमन करेज, ह्यूमन एंड्योरेंस, बहुत जबरदस्त मुकाबला। बिल्कुल, नजम खान ने जिस तरह आज फाइट की है और पहले राउंड के अंदर अपने अपोनेंट को नॉकआउट किया है, ये बात बहुत जो है ना वो एक तरह से इनकरेजिंग है सबके लिए। एंड विनर बाय नॉकआउट आउट ऑफ द रेड कॉर्नर नजम खान। और नजम खान के विक्ट्री हैंड रेस किया, तमाशाई भी स्टन लग रहे हैं, हैरान लग रहे हैं, किसी ने भी इतनी जल्दी ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत खूबसूरत और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फाइट को, बिल्कुल, और जिस तरह से नजम खान अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम करके आके इधर फाइट करते हैं और जिस तरह की फाइट का वो मुजाहरा करते हैं, तो इस चीज़ की मैं दाद उन्हें देना चाहूँगा। तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए ओ काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए।